अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है, हमारी गारंटी मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। साथियों, जब किसी देश का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता है तो उसके नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है, उसके नागरिकों की कमाई बढ़ती है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो गरीबों पर खर्च करने के लिए देश के पास पैसे भी ज्यादा आते हैं। इसलिए आज का ये समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं, कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम, क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट थे। लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए हैं उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था, जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने खास मशीन बनाई थी। आपको पता है कांग्रेस ने खास मशीन बनाई थी, आपको मालूम है? मैं बताऊं? बताऊं? एक बार कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया था। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे, सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे।
ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कभी मैं चलने नहीं दूंगा। तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस की इस भ्रष्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिए। हमने आधार, मोबाइल और बैंक खातों की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन टिकी नहीं पाई। और फिर देशवासियों को आज की तारीख भी याद है जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे उनकी नींद उड़ गई थी और देश का गरीब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते देख मोदी का जय जयकार कर रहा था। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100-100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना, ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं। जी लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुझे जरा आप बताइए, दमोह के मेरे भाइयों बहनों, इतनी तादाद में आप आए हैं, ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं, लेकिन मुझे प्यार से सच्चा बता दीजिए, क्या मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए, भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए, जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आपका आशीर्वाद है ना? मुझे यही आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है। साथियों, आज मजाल है कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए पैसा भेजे और कोई पंजा बीच में से उसको लूट जाए, वो जमाना चला गया। इसी साल मध्य प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे हैं। इसमें से एक भी पैसा कोई पंजा लूट नहीं पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यहां सरकार में नहीं है। अगर गलती से भी कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में आ गई तो हर काम में 85% कमीशन तय है। ये उनके एक प्रधानमंत्री 85% तय करके गए, फिर न यहां विकास होगा और न ही कोई काम होगा। कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देगी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को, कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर?
जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए, गरीबों को कितने घर दिए, माताएं बहने जरा बताइए कितने घर दिए, कितने घर दिए। राम मंदिर बनाया ये तो याद है, 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए ये भी याद रखिए। पहले करोड़ों देशवासी खुले में शौच के लिए मजबूर थे, इसलिए हमने शौचालय की इज्जत घर की सुविधा दी। पहले देश के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में लोग बिना बिजली के अंधेरे में रह रहे थे। भाजपा सरकार ने ऐसे 2.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया। हमारे देश के गरीब परिवार की माताओं बहनों के जीवन में तो सिर्फ धुआं ही धुआं था, हमने उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। महंगे इलाज के कारण गरीब और गरीब हो रहा था, इसलिए भाजपा ने गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। जब कोरोना इतना बड़ा संकट आया तो ये हमारी सरकार है जिसने हर गरीब